गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा। और बेटा अब हम क्लास इलेवेंथ में हैं। जैसे कि हमारा एक लंबा सेशन चलता आ रहा है क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें हम पहले कर चुके हैं कॉर्डेटा फाइलम को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फाइलम के सब फाइलम्स को भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद में हमने सेक्शंस को एक्सप्लेन किया था, जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने एक गनेथा और गनेथोस्टोमेटा को एक्सप्लेन किया था। और आज हम लेकर चल रहे हैं सुपर क्लास पाइसिस, यानी गनेथोस्टोमेटा की जो फर्स्ट सुपर क्लास है, दैट इज़ सुपर क्लास पाइसिस। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम सुपर क्लास पाइसिस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज जनरल फीचर्स ऑफ फिशेस के बारे में बात करेंगे कि फिशेस जो हैं वो किस टाइप का उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से बॉडी पार्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन है बॉडी के अंदर। तो आज हम एक जनरल फिश का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। देखिए ज़रा, सुपर क्लास पाइसिस जैसे कि ऑलरेडी पैसे से हम पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि सुपर क्लास पाइसिस इज़ द पार्ट ऑफ सेक्शन गनेथोस्टोमेटा। फाइन, सो दिस सुपर क्लास पाइसिस डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। दिस वन क्लास वन, ये क्लास वन है प्लैकोडर्माई, बट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर फॉसिल्स, सब फॉसिल्स हैं ये। यहाँ पर एक है कि ये इनमें प्रोटेक्टिव स्केल्स प्रेजेंट थे या प्लेट्स प्रेजेंट थे बॉडी की सरफेस पर, इसीलिए इनको जो है आर्मर्ड फिशेस भी इनको कहा जाता है। हार्ड स्ट्रक्चर्स सरफेस पर प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल क्लिमेटियस। ले ध्यान रखना है आपने कि ऑल आर फॉसिल्स हैं ये। तो डिटेल्ड स्टडी जो हम करेंगे वो हम करेंगे सेकेंड क्लास। नेक्स्ट सेकेंड क्लास है क्लास टू, दैट इज कॉन्ड्रेक्थीज। ये जो कॉन्ड्रेक्थीज है ये कॉन्ड्रोस वर्ड से डेवलप हुआ है, ग्रीक वर्ड, एंड इक्थीज मीन्स फिशेज मीन, और कॉन्ड्रोस वर्ड का मीनिंग होता है कार्टिलेज, मीन्स दीज फिशेज हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यहाँ पर जो फिशेज का क्लासिफिकेशन है या डिवीज़न हुआ है या दो क्लासेस अलग अलग बनी हैं, ये उनके एंडोस्केलेटन के ऊपर बेस्ड है। तो एंडोस्केलेटन अगर कार्टिलेज का है तो वो कॉन्ड्रेक्थीज के अंदर है, और अगर एंडोस्केलेटन बोन्स का है तो वो ऑस्टेक्थीज के अंदर है। तो जो थर्ड क्लास है वो है क्लास ऑस्टेक्थीज। बट हम जब स्टडी करेंगे क्लास कॉन्ड्रेक्थीज और क्लास ऑस्ट्रेक्थीज, उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि एक जनरल फिशेस में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए आप ज़रा, यहाँ पर एक जी जनरल फिश का हमने लिया हुआ है डायग्राम, यहाँ डायग्राम ड्रॉ हुआ है। तो देखिए ये लगभग अगर हम लें तो कुछ एक स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, यहाँ पर डॉर्सल और वेंट्रल साइड से कंप्रेस्ड भी हो सकती है ये बॉडी। साथ साथ आप देखें तो बॉडी के एंटीरियर साइड पर यहाँ पर माउथ है। फाइन, ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये माउथ है एंटीरियर पॉइंट पर, आइज प्रेजेंट हैं, फिर यहाँ पर ये गिल्स प्रेजेंट हैं ऑपरकुलम के साथ, फिन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बॉडी में ना आउटग्रोथ्स होते हैं, ये आउटग्रोथ्स को हम कहते हैं फिन्स, और ये जो आउटग्रोथ्स हैं बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे, बॉडी के एंटीरियर पार्ट पर भी होंगे, पोस्टीरियर पार्ट पर भी होंगे, डॉर्सल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर और टेल रीजन पर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर जो फिन्स हैं होंगे, ये फिन्स यानी एक्सटर्नल जो आउटग्रोथ्स हैं, इनका बेसिक फंक्शन होता है स्विमिंग में हेल्प करना, क्योंकि जो फिशेज हैं वो एक्वेटिक हैं, वाटर लिविंग हैं, तो वहाँ पर स्विमिंग में हेल्प करते हैं ये फिन्स। तो देखिए बॉडी में यहाँ एंटीरियर साइड पर पेक्टोरल फिन है, फिर ये देखिए पैल्विक फिन है यहाँ पर, फिर इसके साथ साथ आप देखें तो अब हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, एनस के पास में जो है एनल फिन है, टेल रीजन पर जो फिन है दैट इज़ कॉडल फिन है, और बॉडी के डॉर्सल साइड पर जो फिन है वो डॉर्सल फिन्स हैं।
तो डॉर्सल फिन्स भी यहाँ प्रेजेंट है और बॉडी के बिल्कुल यहाँ पर देखिए लेटरल साइड पर एक लाइन प्रेजेंट होगी, दैट इज लेटरल लाइन। और ये जो लेटरल लाइन है ये एज सेंस ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये तो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर किया है। पिक्चर आप सब ने फिशेस की पिक्चर्स देखी हुई है, पोएम्स वगैरह भी इसके ऊपर पढ़े हुए हैं। तो अभी हम कर रहे हैं साइंटिफिकली इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसा इसका नेचर है, ये कहाँ रहती है, देखते हैं क्या है। कोल्ड ब्लडेड है, फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे आर एक्टोथर्मिक, दे आर पॉइक्लोथर्मिक मीन्स दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनका कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, जैसे ही एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसके साथ ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दे हैव बैकबोन, बैकबोन यहाँ प्रेजेंट है क्योंकि हम वर्टिब्रेटा, ये किसके मेंबर हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में तो क्या है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट होगी और वो भी जब वर्टिब्रेटा आ गए तो वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो मीन्स यहाँ पर बैकबोन प्रेजेंट है। गिल्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए और फिन्स प्रेजेंट होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिन्स प्रेजेंट होंगे स्विमिंग के लिए। मीन्स बॉडी की जो ये सब एक्सटर्नल आउट ग्रोथ्स हैं ये सब ऑल आर फिन्स एंड दे हेल्प्स इन स्विमिंग। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड ट्रंक एंड टेल। लुक एट हियर, दिस वन इज हेड रीजन इधर, फिर ये बॉडी का आ गया ट्रंक रीजन एंड दिस वन इज द टेल रीजन। नेक यहाँ पर एब्सेंट है, नेक इज एब्सेंट, नेक इज एब्सेंट, नेक यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो बॉडी जो है थ्री पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, हेड में, ट्रंक में और टेल में। फाइन, आइज प्रेजेंट हैं, टू आइज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और क्योंकि ये एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, वाटर लिविंग होते हैं, तो देखिए इनमें आईज के ऊपर आईलिड्स एब्सेंट होते हैं। जब आईलिड्स एब्सेंट होंगे तो वाटर की वजह से, हमेशा पानी में रहने की वजह से आईज ख़राब ना हो जाएं, उनको डैमेज ना हो जाएं। क्योंकि देखिए ये फिशेज जो हैं कभी मैराइन, कुछ एक जो हैं मैराइन वाटर में भी हैं, ब्रैकिश वाटर में भी हैं, सी और फ्रेश वाटर में भी हैं। तो वाटर कंसनट्रेशन अगर देखें तो हर जगह चेंज है, तो उसका इम्पैक्ट आइस के ऊपर आ सकता है। तो आइस के ऊपर जो है कोई इम्पैक्ट ना आए, पानी से ख़राब ना हो जाए आँखें, तो इसलिए आइस के ऊपर एक मैम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, दैट इज़ निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन। मीन्स टू आइज आर प्रेजेंट इन फिशेज एंड विच आर कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन। फाइन, नेक्स्ट टू इंटरनल ईयर्स एंड टू नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स भी हैं टू एंड इंटरनल ईयर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट गिल्स आर प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट होंगे फॉर रेस्पिरेशन एंड जनरली दीज गिल्स आर इन पेयर्स। गिल्स प्रेजेंट होंगे और जनरली दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, बट दे मे और मे नॉट बी कवर्ड बाय ऑपरकुलम। ये ऑपरकुलम से कवर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऑपरकुलम इज द गिल कवर, गिल के ऊपर कवर प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑपरकुलम। तो वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि कॉन्ड्रेक्थीसिस में ऑपरकुलम एब्सेंट होते हैं बट ऑस्टेक्थीस में ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है। फिन्स आर प्रेजेंट, फिन्स का भी हमने डिस्कशन किया भी था, फिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड जनरली फोर टाइप्स ऑफ फिन्स आर प्रेजेंट। पैक्टोरल फिन्स विच आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड, पैल्विक फिन्स विच आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल फिन्स आर प्रेजेंट एट द डॉर्सल सरफेस और डॉर्सल साइड, एंड एनल फिन्स आर प्रेजेंट नियर टू एनस, और वी कैन से दीज आर वेंट्रल फिन्स बिकॉज जस्ट लोकेशन ऑफ दीज फिन्स आर टूवर्ड्स द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, सो वी कैन से एनल फिन्स आर वेंट्रल फिन्स। एंड दीज टाइप ऑफ फिन्स सबका कलेक्टिवली एक ही फंक्शन है, हेल्प्स इन स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करेंगे ये। नेक्स्ट टेल इज प्रेजेंट बिहाइंड द एनस, जो ये एनल फिन यहाँ पर है इसी के पास में एनस रीजन होगा और उसी के पीछे का जो पार्ट होगा वो टेल रीजन होगा। तो टेल रीजन जो होगा वो एनस के पीछे वाला पार्ट होगा, वहाँ से एनस टेल रीजन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट
स्केल्स बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जनरली फिशेस में, बट कुछ एक फिशेस ऐसे भी हैं जहाँ स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स जो हैं बॉडी के को कवर करके रखते हैं जिन भी फिशेस में प्रेजेंट हैं, और ये वहाँ पर अगर दें तो एक्सटर्नल सरफेस पर यानी एक्सोस्केलेटन मेंटेन करते हैं फिशेस की बॉडी में, मींस प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। लेटरल लाइन प्रेजेंट है एज सेंस ऑर्गन, और ये एक यूनिक फीचर है फिशेस का कि यहाँ पर एक लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो हमने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में साइक्लोस्टोमेटा में भी डिस्कस किया था। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल बॉडी जो है वो डिफरेंट होगी, मेल अलग और फीमेल अलग मीन्स यूनिसेक्सुअल होंगे, यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट फॉर्म नहीं है। यूजुअली ओवीपैरस हैं, बट कुछ एक फॉर्म्स विवीपैरस भी हैं और ओवो विवीपैरस फॉर्म्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंड जनरली इनमें जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पर। लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो जनरली नहीं है, एब्सेंट होती हैं। यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लें, फॉर एग्जांपल लेबियो, एक्सोसीटस, स्कॉलियोडोन एट्सेट्रा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। थैंक यू।